देखा पूरी सब्जी बुनिया मिल गया। हाँ मम्मी पूरी सब्जी बुनिया ले लिए, हम लोग प्रसाद ग्रहण कर लिए। बजरंग बली का प्रसाद ही है, खा लिया जा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नागेंद्री में। दोस्तों मैं नागेंद्र, आज मैं और माँ जो है टीरी काल चौराहे से अपने घर जा रहे थे, जिस हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, सरकारी कॉलोनी में। तो यहीं टीरी काल चौराहे पे कोने पर ही भंडारा चल रहा है बजरंग बली का, तो हम लोग भी रुक गए भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए। टीरी काल चौराहे के जस्ट बगल में ही है जिला कार्यालय की तरफ ये जाता है ये रोड। माँ ने प्रसाद ले लिया है, अब मेरी बारी है प्रसाद ग्रहण करने की। भीड़ ऐसी ही आपको हर मंगलवार शनिवार देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस दिन पूजा होती है, हवन होता है, उस दिन भंडारे कराया जाता है। बाकी दिन जो है खिचड़ी का भोग लगता है। तो बलिया का टीडी कॉलेज चौराहा, बगल में ही रुद्रा होटल है, बहुत ही फेमस होटल है टीडी कॉलेज चौराहे के पास में ही। अभी आप ये देख रहे हैं, ये बलिया का टीडी कॉलेज चौराहा है, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मूर्ति लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। रात के टाइम सभी लोग जो है, जो लोग भी शाम के टाइम घूमने निकले हैं, चाहे जो अगल बगल कॉलोनी के रहने वाले हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। जो लोग रास्ते से गुजर रहे हैं वो लोग भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। देखिए लंबी कतार लगी हुई है, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। जो भी बजरंग बली में जो भी कार्यकर्ता हैं कमेटी के, वो सभी लोग लगे हुए हैं भंडारे को अच्छे से सफल करने के लिए। तो मैं भी लाइन में खड़ा हूँ। लाइन थोड़ी सी घूम करके आई हुई है, क्योंकि बगल में रोड है, एक तरफ से रास्ते को बंद कर दिया गया है, दूसरा रास्ता जो है कि स्टार्ट है। पीछे पानी का टैंकर लगा हुआ है, औरतों के लिए अलग से लाइन लगाई गई है। जो लोग प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वहाँ बैठ के ग्रहण भी कर सकते हैं। बगल में ही चंद्रावली और उसके जस्ट नीचे ही एक्सिस बैंक है। गर्मियों का मौसम है, फिर भी देख सकते हैं भक्तों की कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। सभी लोग जो है धैर्यपूर्वक अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बलिया में आपको ऐसे ही पूजा पाठ जहाँ आपको देखने को मिलेगा। आगे आपको कुंवर सिंह चौराहा है, ये बलिया का बहुत ही फेमस मंदिर बनता जा रहा है टीडी कॉलेज चौराहे पे। सबसे ज़्यादा यहाँ चहल पहल रहती है शाम के टाइम, क्योंकि यहाँ टीडी कॉलेज और इंटर कॉलेज दोनों यहीं पे पास ही में हैं, साथ में डीएम आवास कार्यालय। बलिया की खास बात और भी है कि बलिया में आपको हर चीज़ें पास में देखने को मिलेंगी। जब मैं कहीं घूमने के लिए या किसी काम से बाहर जाता हूँ, अगर कहीं भंडारा चल रहा होता है, तो हम लोग रुक करके ज़रूर वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खुद हम लोग पंडाल लगते हैं दुर्गा पूजा का, वहाँ भी हम लोग प्रसाद का वितरण करते हैं। एक बात बताऊँ दोस्तों, प्रसाद कोई भी हो, श्रद्धा और आस्था से बना होता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने प्रसाद ले लिया है, अब चलिए इसको ग्रहण करते हैं, आपको बताते हैं कैसा इसका टेस्ट है। यमी, बहुत ही टेस्टी है, बुनिया पूड़ी सब्जी, बहुत ही स्वाद अच्छा है इसका। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग बलिया के आसपास के रहने वाले हैं, तो टीडी कॉलेज चौराहे के जस्ट बगल में ही बजरंग बली का मंदिर है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार जो है प्रसाद का वितरण किया जाता है। अगर जब भी आप कभी इस रास्ते से गुजरो टीडी कॉलेज चौराहे से, तो एक बार रुक करके आप लोग भी प्रसाद जरूर ग्रहण करिएगा। सजी बुनिया ले लिए, हम लोग प्रसाद ग्रहण कर लिया। बजरंग बली का प्रसाद ही है, खा लिया जा, ले ले जा। हाँ, मैंने प्रसाद खा लिया, माने को प्रसाद खा लिया है, पूरी सब्जी देखा, बजरंग बली ठीक है, चला जाना। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ठीक है।
लगा था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लिए, तब मैं जरूरी वीडियो को उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए, जय हिंद।